हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वीकली एनिमे न्यूज के फोर्थ एपिसोड में। तो आज आपके लिए मैं गर्मा गर्म खबरें लेके आया हूँ। तो शुरू करने से पहले चाय और बिस्किट लेके आइएगा और फिर हम शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है मांगा लवर्स के लिए। श्वेशास रिबन मैगजीन ने रिवील किया है कि मायो सकाई ने हेलो इनोसेंट मांगा रिलीज करने वाले हैं। ये मांगा श्वेशा रिबन मैगजीन में जून के महीने में रिलीज होगी। इस मांगा की स्टोरी एक प्यारी सी लड़की और एक प्रॉब्लमेटिक लड़के की सिमिलैरिटीज पर बेस्ड है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में लव स्टोरी है। इस मांगा के प्रीव्यू को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मांगा बहुत अच्छी है। अगर आपको ये मांगा पढ़ना है तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अगली खबर आ रही है एक इलस्ट्रेटर से जिनका नाम लिया कुरुश है, जिन्होंने गोस्ट इन सेल सैक 2045 का कैरेक्टर डिजाइन किया है। उन्होंने एक VR एग्जीबिशन शुरू किया है। इस VR एग्जीबिशन में लोग VR चैट सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए इलस्ट्रेशन पर डिस्कस कर सकते हैं। ये एक VR एग्जीबिशन ऐप के जरिए होगा। बताया जा रहा है कि ये एग्जीबिशन 28 अप्रैल से 31 मई तक है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हाउ नॉट टू समन डीमन लॉर्ड का एपिसोड इस शनिवार YouTube से निकाल दिया गया। ड्यू टू YouTube के कंटेंट रेगुलेशन के हिसाब से वो एनिमे सूटेबल नहीं था। फुल एनिमे टीवी नामक चैनल पर यह एनिमे 30 अप्रैल से 6 मई तक पब्लिश रही। सैडली यूट्यूब ऐसा ही करता है। क्या करे, यूट्यूब टेढ़ा है पर हमारा है। हमारा यूट्यूब। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्टूडियो गिबी के म्यूजियम से। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि गिबी म्यूजियम की स्ट्रिक्ट पॉलिसी के अनुसार फोटोज या वीडियोस किसी भी चीज़ों की हम नहीं ले सकते। यानी कोई भी एसेट्स जो म्यूजियम में है उसकी हम फोटोज नहीं ले सकते। फिलहाल तो म्यूजियम बंद है, वो भी COVID-19 की वजह से। तो उनके स्टाफ ने यूट्यूब पर एक वीडियो जर्नल डाला है जिसमें उनने पूरा स्टूडियो गिबी का जितना भी म्यूजियम में एसेट्स है वो दिखाया है और वो रेगुलरली हर वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको स्टूडियो गिबी के कोई भी वर्क्स देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके देख लीजिए। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक्सक्लूसिवली एनिमे मूवी अ विस्कर अवे को रिलीज करने वाली है 18 जून को नेटफ्लिक्स में। फिलहाल नेटफ्लिक्स इस मूवी को डब या सब करेगा उसका इन्फो कोई मिला नहीं। जैसे हमको कोई इन्फो आएगा तो हम आपको नेक्स्ट एनिमे न्यूज वीडियो या फिर कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर देंगे। एशिया वन एशिया ये एक एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिनका यूट्यूब चैनल में फैन सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। लोगों को फैन सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है। तो अगर आप भी एनिमे इंग्लिश सब करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लीजिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़, टेनकी नो को यानी वेदरिंग विद यू मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश सब ब्लूरे का रिलीज डेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मूवी 27 मई को रिलीज होने वाली है। वैसे ये मूवी किस एनिमे पर इंग्लिश सब आ चुकी है पर उसमें थोड़ा अजीब सा रखा है, समथिंग फिशी, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। गाइस, प्रॉपर ऑफिशियल अच्छी क्वालिटी में ये मूवी 27 मई को रिलीज़ होगी। और अगर मैं इंग्लिश डब की बात करूँ तो अभी कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि सितंबर में ये मूवी इंग्लिश डब रिलीज़ होगी, पर ये बात श्योर नहीं है, मतलब समथिंग लाइक रूमर है। तो देखते हैं कब ये मूवी इंग्लिश डब में रिलीज होगी। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट सेशन में। जी हाँ, एनिमे रिडल्स। तो लास्ट एपिसोड के एनिमे रिडल के आंसर के लिए तुम लोगों ने तो तबाही मचा दी गाइस। सीरियसली सभी को थैंक यू कमेंट सेक्शन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। आंसर बताने का क्या फायदा, तुम लोगों को तो सब आंसर पता ही है। तो आज का एनिमे रिडल है, आई एम द एनिमी ऑफ द वर्ल्ड बट आई एम जस्ट अ गुड ड्यूड, बीन एवरीवेयर एट सुपर स्पीड but cannot escape my fate. At least I keep my promises to raise these kids right. Who am I? तो जाओ कमेंट सेक्शन में और स्पैम कर दो आंसर्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाइयों 4000 सब्सक्राइबर के नज़दीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ यारो यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें 4000 सब्सक्राइबर्स पर ले आओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, सायोनारा।